तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में टिकटॉक ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और टिकटॉक ऐप के साथ साथ चाइना की 58 ऐप्स को भी बैन कर दिया गया है, यानी कि भारत में टोटल 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहां पे उन 59 ऐप्स की लिस्ट है जो भारत में पूरी तरह से बैन हो चुकी है। ये 59 चाइनीज ऐप हैं जिनको हाल ही में भारत में बैन कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इन सभी ऐप्स को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि चाइना वाले इन ऐप से आपका सारा डाटा हैक कर सकते हैं। हमें चाइना की ऐप का पूरी तरह से विरोध करना है। तो दोस्तों, अब मैं बात करूँगा उन फ्रेंड्स की जो टिकटॉक पे काफ़ी फेमस थे, या उनके टैलेंट से टिकटॉक पे उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग थी, या जिनकी टिकटॉक पे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी। तो मैं उन सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे भारत की बहुत सी ऐप हैं जिन पे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, आप अपने फैन फॉलोइंग को फिर से बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप YouTube पर भी वीडियो बना सकते हैं। अब देखना ये है कि भारत में पबजी गेम कब बंद होगी। आप टिकटॉक के बैन होने पर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्या आप चाहते हैं कि भारत में पबजी गेम को भी बैन किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।